एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में थी। उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। वो काफ़ी देर तक इधर उधर पानी की तलाश में भटक रही थी, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। थोड़ी देर भटकने के बाद वो जंगल में ही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। तो जैसे ही वो नीचे बैठती है, उसे नदी के बहने की आवाज़ सुनाई देती है। वो हिरन वहाँ से उठकर उस नदी के पानी की आवाज़ तक जाती है, तो वो वहाँ पहुँचकर देखती है कि उसके सामने एक बड़ी सी नदी बह रही है। वो हिरन पानी देखकर खुश हो जाती है। वो तुरंत भागती हुई नदी के पास जाती है और जैसे ही वो पानी पीने के लिए अपनी गर्दन झुकाती है, तो उसकी नज़र अपनी लेफ़्ट साइड पर पड़ती है। वो जैसे ही उस तरफ देखती है, तो उसे एक शिकारी नज़र आता है। उसके हाथ में एक तीर था जो हिरन पर निशाना साधे हुए था। फिर हिरन की नज़र अपनी राइट साइड पर पड़ती है, तो उसे वहाँ पर एक शेर नज़र आता है। अब हिरन अपनी प्यास भूल जाती है। फिर वो अपने पीछे पलट कर देखती है, तो पीछे बहुत ज़्यादा आग लगी हुई दिखाई देती है, जो धीरे धीरे उस हिरन की तरफ लपक कर बढ़ रही थी। अब हिरन चारों तरफ से घिर चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूं। तभी उसके मन में एक बात आती है कि क्यों ना मैं अपना काम करके मरूं, जिसके लिए मैं यहाँ नदी तक आई थी। हिरन पानी पीने लग जाती है, लेकिन उतने में ही बादल काले हो जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। जो आग लगी हुई थी वो बारिश की वजह से बुझ जाती है, और पानी के कारण शिकारी का निशाना हिरन से चूककर शेर को लग जाता है, और शेर की नज़र शिकारी पर पड़ जाती है, और शेर शिकारी के पीछे दौड़ता है। जैसे ही हिरन पानी पीकर अपना सर उठाती है, तो वो चारों तरफ देखती है, उसे कोई नज़र नहीं आता है। वो समझ जाती है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इंसान घबरा जाता है। आपको ना ही अपनी प्रॉब्लम से डरना है, ना ही पीछे हटना है, बस आराम से ठंडे दिमाग से सोचना है। हिरन के पास भी ऑप्शन थे, या तो वो भाग जाती या नदी में छलांग लगा लेती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने शांति से सोचा और अपना काम किया। इंसान भी कई बार अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूर रहता है, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती है तो हम कदम पीछे खींच लेते हैं। क्या पता हो सकता है एक कदम आगे ही कामयाबी हो, इसीलिए कभी पीछे मत हटना।